क्या वो है बरकत जो आप सोचते हो कि मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए। आज कई ऐसे खानदान हैं जिनके पास बरकतें भी नहीं है, गुर्बत, टूटे हालात, बीमार, और क्या कहा जाए ना, पस्त हाली में। लेकिन खुदावंद आप सब पर बराबर निगाह रखता है, वो जानता है किस बेटी किस बेटे को कब कब क्या क्या देना है। इसी तरह जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे तो एक वाक्या पेश आता है, हम उस वाक्य को आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टुकड़ों में, ताकि आप लोग समझ सके कि आखिर बात खुदावंद किस तरह अपने बंदों को, अपनी कौम को, अपने लोगों को सिखाता है। अब कोई भी बच्चा जो है वो शरारत नहीं करेगा जी। यहां पर हम निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 9 बाब, उसकी 1 से लेकर 3 आयत तक। यूहन्ना की किताब 9 बाब 1 से 3 आयत तक। मैं फिर से बोलूंगा, यूहन्ना की किताब उसका 9 बाब 1 से 3 आयत तक पढ़ेंगे और सुनिए। कलामे खुदा में से देखेंगे यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9 बाब उसकी 1 से 3 आयत तक पढ़ना चाहूंगा। और कलामे खुदा में यू लिखा हुआ है, फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हो। उनके कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाई से बरकत। जो शागिर्द भी थे ना, वो भी खुदावंद यीशु मसीह को बड़े क्वेश्चन करते थे। वो खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह पक्की फरीसियों की एक आदत थी ना कि जगह जगह पे खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल करना, फिर उन्होंने पूछना, इसी तरह जो शागिर्द थे वो भी खुदावंद यीशु मसीह से बड़े सवाल करते, और उनके सवालात भी उनसे थोड़े थोड़े मिलते थे, मुशाबत पाते थे, उनकी उनकी तरह के सवाल होते थे। खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे को देखा, शागिर्द ने जल्दी से कहा, अच्छा जी यह दसो कि ये इसके माँ बाप की गुनाहों की सजा है या इसके गुनाहों की सजा है कि ये पैदाइश से क्या है, अंधा है। अब मेरे हालात देखो, मैं बचपन से गुरबत में हिदा आ रहा, ऐ मेरी वजह तो है या मेरे मां प्यो की वजह तो है? देखो मेनू, मैं जो पैदा होया मेरे को कुछ भी नहीं सी, अज मेरे को बहुत कुछ है, ऐ मेरे मां प्यो की वजह तो है या खुदा की वजह तो है या मेरी अपनी बड़ी मेहनत है? ये क्वेश्चन हर इंसान अपने अंदर रखता है। कई बार जब इंसान गलती करता है तो कहा जाता है, मेरी बेटी मेरे बेटे तू एक काम कर, क्या तू अपने बाप दादा की सजा के लिए क्या कर, माफी मांग, तू खुदा से माफी मांग के अगर मेरे बाप दादा की सजा है तो खुदा ना मेरे अगे ना आए, मेनू माफ कर दे। लेकिन सम टाइम हर बार आपके ऊपर बाप दादा की सजा नहीं लागू होती, बाइबल मुकद्दस यहां पर साबित करती है। हर बार ऐसा नहीं होता, ये मैं नहीं बोल रहा, यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के खुद के अल्फाज हैं कि जब शागिर्दों ने कहा कि इसकी मां बाप की सजा है या इसकी गुनाहों की सजा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इससे खुदावंद के काम क्या होने थे, जाहिर होने थे। कई बार खुदा आपके ऊपर जो पस्त हाली, जो गुर्बत, जो बुरे हालात लाता है, वो अपना जलाल आप में से जाहिर करना चाहता है। ये मत सोचो कि मैं बहुत बुरा हूं, खुदा ना मैं बड़े गुनाह कर लेने, मैं माफ कर दे। कई बार खुदा आपसे अपने बड़े काम लेना चाहता है। लाजर की स्टोरी बाइबल में देखते हैं, एक अमीर एक गरीब, एक भूखा मर गया, ते एक कुत्ते जाके
अग की पट्टी चलता होंगे तो कहना लाजर एक कतरा ही मेरे मुंह च पा दे। सुनी है ना अपनी स्टोरी लाजर। तो क्या लाजर बाबर का ना था या उसके बाप दादा की सजा थी? खुदा अपने बड़े काम कई बार अपने लोगों में से लेता है। जैन सोचे कि हां मेरे डैडी तो बिजनेसमैन नहीं थे तो मैं भी गुर्बत में मर जाऊं, या कासिम सोचे कि मेरे बाप बहुत बड़े ज्यादा पढ़े लिखे थे मैं अनपढ़ हूं। नहीं, ऐसी बातें नहीं सोच सकते हम, क्योंकि खुदावन ने कब किससे क्या काम लेना है ये ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं। हमारी जिंदगियां खुदावन की तराशी हुई। यहां पर खुदावन यीशु मसीह जिस शख्स को देखते हैं वो जन्म का अंधा है। इसे कहते हैं बॉर्न ब्लाइंड, पैदाइशी अन्ना, ठीक है। फिर खुदावन यीशु मसीह उसको देखते हैं, शागिर्द क्वेश्चन करते हैं कि हाँ जी ए दसो कि ए जड़ा बच्चा है या ए जड़ा बंदा है या ए जड़ा भाई है ए मां बाप की गलती। क्या आज आपके बच्चों ने गुर्बत देखी तो इसका मतलब हो कि आप तो सोचेंगे कि शायद मैं तो बड़ी मेहनत करना, मेरे दादे दी या मेरे मां प्यो की गलती दी है तो अज असी औलाद है तो साड़ी औलाद तकलीफ से। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। उसकी रीजन ये है कि कई बार खुदा आपको वो आजमाइश देता है जिससे आप खूबसूरत से खूबसूरतर हो जाओ। पदाइशी अंधा था, भीख मांगने वाला था, लोग उसको देख के कहते ए भाई वो नहीं जो मांग रहा सी, ये वो आदमी। अगर आप गौर करें तो यहां पर